इस माह की मुनासिबत से मैं आपके सामने इनशा सलात और तहारत के मसाइल में उमूमा जो लोगों से गलतियां होती हैं उनकी तरफ इशारा करना चाहूँगा जैसा कि आप जानते हैं कि सलात इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है ये मोमिन के लिए नूर है आँखों की ठंडक है और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम को मेराज के मौक़े पर दिया गया तोहफ़ा है सलात हर मुसलमान पर अदा करना वाजिब और ज़रूरी है उसका अहतमाम होना चाहिए उसके जो अराकीन हैं शुरूत हैं वाजिबात हैं सुनन और मुस्तहबात हैं उनकी तरफ़ मुसलमान की तवज्जो भरपूर होनी चाहिए क्योंकि इसी से उसका सवाब ज़्यादा होता है इसी से उसका सवाब कम होता है अम्बारबिन यासर रील्ला तु की हदीत है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक आदमी नमाज पढ़ता है नमाज अदा करके निकलता है तो अल्लाह ताला बसा अवकात उस नमाज़ का उसको दसवां हिस्सा बतौर अजर और सवाब अता करता है किसी को नौवा हिस्सा किसी को उसकी नमाज का आठवां हिस्सा किसी को सातवां हिस्सा किसी को छठा हिस्सा किसी को पांचवां हिस्सा और किसी को चौथा हिस्सा और किसी को एक तिहाई हिस्सा और किसी को उसकी नमाज का आधा सवाब मिलता है ये कब होता है जब एक आदमी उसके अरकान उसके शुरूत, उसके सुनन और वाजिबात और खुशबू का लिहाज करते हुए नमाज अदा करता है तो नमाज का उसको मुकम्मल स्वबाब मिलता है और अगर इन चीज़ों में कमी वाकई होती है तो ऐसी सूरत में जितनी इन चीज़ों में कमी वाकई होगी उसी हिसाब से उसके नमाज के स्वाब और अचर में कमी वाकई होती जाएगी लिहाजा हमको चाहिए कि नबी करीम वसल्लम की नमाज की मुकम्मल कैफियत को जानकर उसी तरह नमाज अदा करने की कोशिश करें और जो गलतियां हमसे सरजद होती हैं उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें तो आइए हम आगाज़ करते हैं नमाज और तहारत में होने वाली जो गलतियां उमूमन मुसलमानों से सरजद होती हैं एक के बाद दूसरे गलतियों की तरफ हम इशारा करते हुए आगे बढ़ेंगे तहारत के बाब में मुसलमानों से सबसे पहली जो गलती वाकई होती है कि वसा अवकात मुसलमान जबान से वजू करते हुए गसल करते हुए नीयत का एहतमाम करते हैं आप जानते हैं कि नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है मुसलमान गसल करता है वजू करता है तो गसल करते हुए वजू करते हुए जो दिल से इरादा करता है यही इरादा यही नीयत उसके लिए काफी है जबान से नीयत के जो अल्फ़ाज़ अदा किए जाते हैं ये बिदअत है ये गलती है इस गलती से मुसलमान को बचना चाहिए इमाम कईम और रहीम फरमाते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने और ना ही सहाबा में से किसी सहाबी ने ज़बान से नीयत करने का अहतमाम किया ना वजू के वक्त और ना ही गसल के वक्त लिहाजा जो अलफा अदा किए जाते हैं ये अलफाजिदात हैं मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों शेखुल इस्लाम शेख उमजिया रहीमल्ला ने एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया कहा शेख उमजिया रहीम से अगर किसी मुसलमान को इस बात का मकल्फ किया जाए कि वह बग़ैर दिल के इरादे के कोई काम अंजाम दे तो बसा औकात ये तकलीफ़ मुहाल है ऐसी चीज़ का मुकल्फ करना है जिसकी उसके पास ताकत नहीं होगी इसलिए कि काम के साथ इरादा मरबूत होता है इरादा लाजिम होता है बगैर इरादे के बगैर नीयत के कोई मुसलमान कोई काम अंजाम नहीं दे सकता लिहाजा जो नीयत दिल का इरादा करते हुए मुसलमान उजू करता है गसल करता है यही इरादा उसके लिए काफ़ी है जबान से नीयत का कोई सबूत कुरान और हदीस और अमल सहाबा से हमें नहीं मिलता दूसरी जो गलती तहारत के बाब में मुसलमानों से वाकई होती है मुसलमान तहारत के बाब में जो दूसरी गलती करते हैं बसाओकात आपने देखा होगा कि हर उजु को धुलते हुए अलग अलग दुआओं का अहमाम होता है कुल्ली करता है तो कुल्ली के लिए अलग दुआ है नाक में पानी चढ़ाता है नाक में पानी चढ़ाने के लिए अलग दुआ है चेहरा धोता है उसके लिए अलग दुआ है हाथ धोता है उसके लिए अलग दुआ है मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों ये जो दुआएं अलग अलग के धोते हुए पढ़ी जाती हैं इनका कोई सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु सल्हल से हमें नहीं मिलता इमाम कैयर रही ने फरमाया कि इस बाब में जितनी दुआएं जिक्र की जाती हैं सारी दुआएं सारे अधिकार न किसी सही हदीस से साबित हैं और ना ही किसी राय सनत से सही और जायफ सनत से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुआ साबित नहीं है लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि ये जो अधिकार अलग अलग अहतमाम करके पढ़े जाते हैं इन अधिकार का अहतमाम ना किया जाए बल्कि शुरू में आगाज़ में बिस्मिल्लाह कहना काफ़ी है और उज़ू के बाद की जो दुआ नबी करीम से साबित है उतना कहना मुसलमान के लिए काफ़ी है अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तोफ़ी कदा फरमाएँ ग़लती और बिदातों से हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखें आमीन व आखिर अनिलहदल्हबीम